दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश भटनागर आज आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुन तथा देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूं जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूं कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहां है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुई आ रही हैं, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं राजेश भटनागर आपको एक अनोखी परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है, तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्टाडमस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्टाडमस की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्टाडमस, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो तीन ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। इन्हीं के नाम से पंज और आब पंजाब नाम रखा गया है। नदियों के नाम सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चेनम। नोस्टाडमस ने अपने शतक 5 श्लोक 41 में बताया कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक और रहस्य उद्घाटन करते हुए नोस्टाडमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नोस्टाडमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वो महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्टाडमस ने उस महापुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नोस्टाडमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह ना तो क्रिश्चियन होगा ना मुसलमान होगा, वो केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नोस्टाडमस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा
वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक एक श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नॉस्ट्रादेमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश दुनिया का तारणहार होगा। तो आपने सुना कि दुनिया के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रादेमस ने यह स्पष्ट किया कि वो महापुरुष न ईसाई होगा न मुसलमान होगा, निसंदेह वो हिंदू होगा तथा हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बह रही होगी। वो महापुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को संचालित करेगा। जिनकी माताएं 3 बहनें होगी, जिनके 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होगी। बुरी शक्तियां उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इतनी सांकेतिक भविष्यवाणियों से एक तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर रही थी, लेकिन हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल किया। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यूजर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है कि सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सर पर सफेद बाल है, ना दाढ़ी है ना मूछे है। वह गौरव वर्ण का है। उनके लालट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। नॉस्ट्रादेमस की तरह फ्लोरेंस की भविष्यवाणी भी उस महापुरुष की तरफ इशारा कर रही है। लगे हाथों हमारी टीम ने उस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को भी खंगाल डाला जो अपने सटीक भविष्यवाणी की वजह से चर्चा में रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो का क्या कहना है। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात यानी सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ता विजिलेटर।
भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हरास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भविष्यवाणी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, यह एक वरदान होता है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया के महान महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन की भविष्यवाणी क्या कहती है। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका आज के युग का सबसे शक्तिशाली और विशाल देश माना जाता है। अमेरिका के विद्यालय और शिक्षा दुनिया भर में मशहूर है। संशोधन का केंद्र है अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के महान भविष्यवक्ता एंडरसन की भविष्यवाणी क्या कहती है। इक्कीसवीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। हम दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर चुके हैं, दुनिया के हर देश के भविष्यवक्ताओं को खंगाल चुके हैं। हमारी रिसर्च टीम ने हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी को डीकोड किया। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। फ्रांस की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जैसे पत्थर पर खींची एक लकीर है। हमारी रिसर्च टीम ने फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जुवेलन की भविष्यवाणी को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमें क्या मिला है। डॉक्टर जुवेलन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। इजराइल एक खुले विचारों वाला देश है। इस देश की संस्कृति हर दशक को दर्शाती है। इजराइल के प्रोफेसर हरा ने भी उस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की। आओ देखो इजराइल जैसे बलशाली देश के भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा और सारे विश्व को अपने विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जिसके भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमने छोड़ी है। आइए देखते हैं नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ लफ्जों में कैसे भारत का उल्लेख किया। नॉर्वे के श्री आंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता पर पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान
आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। सिखों के महान गुरु श्री गुरु नानक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने उनकी भविष्यवाणी को पढ़ा और जानने की कोशिश की तो हम हैरान रह गए। जन्म साखी भाई बाले वाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई चत्तर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। पेज नंबर 307 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब के धरती पर जाटवर में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव जी को कौन नहीं जानता। 7 सितंबर 1971 में उन्होंने एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की, तो आइए जानते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव को हर कोई जानता है, जिनका बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में स्थापित है। उन्होंने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखा है कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक और भविष्यवाणी मथुरा शहर के जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त सन 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वो महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 के पृष्ठ 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका है दिव्या शर्मा तथा मुद्रक है अर्जुन प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी को हमने आप तक सरल शब्दों में पहुंचाया। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने हर भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी पर रिसर्च की और कई महीनों की मेहनत के बाद जब नतीजे पे पहुंचे तो हम निशब्द रह गए। सदियों से की जाने वाली भविष्यवाणी का जब रहस्य खुला तो साक्षात उस दिव्य महापुरुष के दर्शन हो गए। हमारी खोज की साचे में हमने कई महापुरुषों को ढाला, लेकिन कहीं भूगोल चुक गया तो कहीं पारिवारिक जीवन। फिर हमने और गहराई में खोज की, तब जाकर हमारी कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा और जिनका नाम जानकर आप भक्तिभाव से झूम जाएंगे। जी हां, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत
रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है, वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी। कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है वह कौन है, उसके उत्तर 8वें अध्याय के श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है जिसके विषय में संत रामपाल जी ने संपूर्ण ज्ञान अपने सत्संगों में दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, www.jagatguru-rampalji.org से निशुल्क डाउनलोड करके अपनी शंका का समाधान करें तथा अपना जीवन धन्य बनाए। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी में कहा है कि वह महापुरुष पंजाब प्रांत की धरती पर श्री नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात जाट जाति में जन्म लेगा। वह श्री नानक जी तथा कबीर जी जैसा महान ज्ञानवान होगा। यह 100% संत रामपाल जी पर खरी उतरती है। हरियाणा के छोटे से गांव में जाट जाति में जन्म लेने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है। किसी को यह भ्रम हो कि 10 सिख गुरुओं में से किसी की ओर ये संकेत है, उसके लिए स्पष्ट किया जाता है कि 10 सिख गुरु साहेबानों में कोई भी जाट जाति में नहीं जन्मा था, इसलिए यह भी संत रामपाल जी का पक्ष दृढ़ करती है। संत रामपाल जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू है, यही सनातन धर्म का पुनः उद्धान करेंगे जो नॉस्ट्रादमस ने कहा है। वह छोटा सा गांव धनाना जिला सोनीपत है जिसमें इनका जन्म हुआ। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा, सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा, वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी, यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती है। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा, विश्व युद्ध भी चलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है जो आज हमने आप तक पहुंचाया। तो बोलो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। अधिक जानकारी के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।